जीप कंपस ट्रेलहॉक आपको एडेड ऑफ रोड एबिलिटी दे रही है कंपस के प्रीमियम लुक्स, इंटीरियर्स और फीचर्स के साथ, लेकिन उसके लिए आपसे लगभग 1,00,000 रुपए ज्यादा मांग रही है रेगुलर टॉप वेरिएंट के ऊपर जो कि है मॉडल एस। तो क्या इसका ये प्रीमियम जायज है और आपको ये लेनी चाहिए या नहीं, चलिए पता लगाते हैं इसकी खूबियों और खामियों को जान के। कंबस ट्रेलहॉक आती है जीप के ट्रेल रेटेड बैच के साथ, जिसका मतलब है इसको ऑफ रोड ट्रेल्स पे टेस्ट किया गया है और फिर ये कंपस के लाइनअप का टॉप वेरिएंट है और इसको सड़क पे पहचानना भी बड़ा आसान। रेगुलर कंपस के मुकाबले अलग बम्पर्स और बोनट पे एक ब्लैक और रेड ग्राफिक दिया गया है और पीछे एक रेड टो हुक भी मिलता है। व्हील्स भी यहाँ अलग हैं जो कि और टफ लगते हैं। फाइनली क्लैडिंग यहाँ ब्लैक में है जो इसको और रफ एंड टफ दिखने में मदद करती है। जीप कंपस के कॉम्पैक्ट डायमेंशंस इसको सिटी में चलाना और पार्क करना आसान बना देते हैं, पर जहां इसके साइज की बाकी गाड़ियां आपको कैबिन एक्सपीरियंस में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर करती हैं, ट्रेलहॉक आपको ऑलमोस्ट लग्जरी कार जैसा एक्सपीरियंस दे रही है। डैशबोर्ड का लेआउट सिंपल और अट्रैक्टिव है और यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल्स और लेदर का खूब सारा इस्तेमाल भी किया गया है। रेगुलर कंपस के कंपैरिजन में यहाँ पे एक ब्लैक अपहोल्स्ट्री मिलती है कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग के साथ, जो इस कैबिन को और थोड़ा स्पोर्टी फील देती है। कैबिन में सभी एलिमेंट्स जैसे कि स्टीयरिंग, गियर शिफ्टर, टच स्क्रीन और अपहोल्स्ट्री की क्वालिटी वाकई ही लाजवाब है। इस प्राइस रेंज में आपको इससे प्रीमियम इंटीरियर्स एक एसयूवी में मुश्किल से ही मिलेंगे। कंबस ट्रेलहॉक में मॉडल एस के सभी फीचर्स मिलते हैं, तो आपके पास है पावर्ड और कूल फ्रंट सीट्स, ऑटो हेडलाइट्स और वाइपर्स, पैनोरामिक सनरूफ, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, Alpine का 9 स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस फोन चार्जर, 6 एयरबैग्स और एक 360 डिग्री कैमरा। टच स्क्रीन भी यहाँ पे आपको 10 इंच का मिलता है जो कि बड़ा फ्लुएंट है यूज करने में। हालांकि इसके मेन्यूज अब भी थोड़े कंजस्टेड लगते हैं अपने ढेर सारे ऑप्शंस की वजह से। इसका 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिस्प्ले भी शानदार है। कंपस ट्रेलहॉक आपसे फीचर्स के डिपार्टमेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मांग रही। ट्रेलहॉक का ग्राउंड क्लियरेंस रेगुलर कंपस से 25 मिलीमीटर ज्यादा है और अपने ऑफ रोड बम्पर्स के साथ ये ज्यादा खराब रास्तों से निकलने की काबिलियत भी रखती है। और जीप ने रेगुलर ऑफ रोड मोड्स जैसे कि सैंड, मड, स्नो और ऑटो के अलावा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रॉक मोड भी दिया है जो कि इसकी ऑफ रोड एबिलिटी को और इम्प्रूव करता है। हाँ, ये अब भी एक प्रॉपर ऑफ रोडर तो नहीं है खासकर अपने हाईवे टेरेन टायर्स के साथ, पर ये आपको आराम से अपने फार्म हाउस तक तो पहुंचा ही देगी। ये तो हो गई कंपस ट्रेलहॉक की खूबियां, अब चलिए इसकी खामियों पे भी एक नजर डाल लेते हैं। जीप कंपस आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के साइज में एक प्रीमियम एसयूवी का एक्सपीरियंस देती है, लेकिन इसके लिए आपको 30.72 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। इसी कीमत में आपके पास और बहुत बड़ी एसयूवीज के ऑप्शंस हैं जैसे कि MG Gloster, Toyota Fortuner और Mahindra Altroz G4। ये गाड़ियां कंपस से दो साइज बड़ी हैं और आपको 7 सीटर होने की सहूलियत भी देती हैं। कंपस की हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है और वो है परिवार के लिए स्पेस। रियर सीट्स पे आपको लेगरूम और नीरूम तो ठीक ठाक मिलेगा, पर इस एक्सपीरियंस को स्पेशियस नहीं बोला जा सकता और अपनी डार्क अपहोल्स्ट्री की वजह से ये कैबिन और भी छोटा लगने लगा है। बूट स्पेस भी यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है और कम विड्थ और डेप्थ होने की वजह से आप एक बड़े सूटकेस के बाद ज्यादा सामान नहीं रख पाएंगे। ट्रेलहॉक के सस्पेंशन को बेहतर ऑफरोड करने के लिए ट्यून किया गया है, इसलिए सिटी क्रूजिंग स्पीड पे सड़क की खराबियां आपको ज्यादा फील होंगी। अपनी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग की वजह से ये स्पीड ब्रेकर्स और पॉटहोल्स पे अब भी कंफर्टेबल रहती है, पर लेवल चेंजेस और रोड में क्रैक्स आपको ट्रेलहॉक में रेगुलर कंपस से ज्यादा फील होंगे। स्टीयरिंग भी इसका बाकी एसयूवी से थोड़ा भारी है, तो यूटर्न लेने में ज्यादा एफर्ट लगेगा, इसकी भी आदत आपको डालनी पड़ेगी। इन खूबियों और खामियों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप एक सिटी फ्रेंडली एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो कि हर मामले में प्रीमियम और कंफर्टेबल हो, तो आपके लिए कंपस मॉडल एस ही बेहतर रहेगी, क्योंकि वो ट्रेलहॉक से सिटी में ज्यादा कंफर्टेबल और लुक्स में ज्यादा प्रीमियम भी है। और हाँ, वो आपके थोड़े पैसे भी बचाएगी।
ट्रेलहॉक आपको तभी लेनी चाहिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट है उस एक्स्ट्रा ऑफ रोड एबिलिटी के लिए, या फिर आपको वो टफ लुक्स चाहिए और वो ट्रेल रेटेड बैच के ब्रैगिंग राइड्स।